राजस्थान में गहलोत सरकार की सुविधाएं और व्यवस्थाएं बड़ी जोरदार हैं, इसमें कोई शक नहीं कि राजस्थान सरकार ने आम जनता के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छी सुविधाएं मुहैया करवाई हैं। दवाई से लेकर जांचें तक सब के सब फ्री, यहाँ तक कि जिस इलाज की पर्ची का जो शुल्क लगता था 5 रुपया, अब वो भी नहीं लगता अस्पतालों में। लेकिन ये सिर्फ इंसानों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं। अगर आप किसी पशु चिकित्सालय में जाएंगे तो आपको उस पशु के इलाज के लिए पर्ची का शुल्क भी देना होगा और उसकी जांच और उसके इलाज के लिए पैसा भी खर्च करना होगा, बल्कि अब तो और ज़्यादा पहले से शुल्क बढ़ गया है। पशु चिकित्सालय के अधिकारी बताते हैं कि पशु पालकों को प्रति पशु अब 2 रुपये के बजाय 5 रुपये पंजीयन शुल्क देना होगा। वहीं अगर बड़ी शल्य क्रिया है तो 50 रुपये, सोनोग्राफी एक्सरे के 50 रुपये और बधाइयाकरण के 10 व लेब जांच के 5 रुपये प्रति पशु परि सेवा शुल्क लगेगा। किसी एनजीओ या संस्थान द्वारा पशु शिविर आयोजन के लिए 200 रुपये प्रति शिविर शुल्क लेकर विभाग द्वारा मानव श्रम उपलब्ध करवाया जाएगा। तो है ना बड़ी जोरदार व्यवस्था हमारे सरकार की। चलिए, इस सरकार को इंसानों की फिक्र है, यही काफ़ी है। उम्मीद है जानवरों की, खास करके पालतू जानवरों को भी जल्दी ही फिक्र हो जाएगी।